हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे चैनल रूरल इंडिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो फ्रेंड्स आप? फ्रेंड्स देखिए, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा जाली वाला, ये देखिए पत्तियों पत्तियों से डिजाइन बनाया हुआ, ये देखिए एक फ्लावर ये बना है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है फ्रेंड्स। इस डिजाइन को आप लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, बेबी फ्रॉक, बेबी सेट, ब्लैंकेट वगैरह में यूज कर सकते हैं। जेंट स्वेटर के लिए मेरे को लगता है ये डिजाइन सही नहीं है। बैक साइड से इस तरह दिखता है ये डिजाइन, ये बैक साइड है, बैक साइड से पूरी रो जो हमने उल्टी उल्टी करके बनानी है और ये सीधे तरफ से है। फ्रेंड्स ये 14-14 फंदों का डिजाइन है, 14 फंदे 14 फंदे 14 फंदे और प्लस 9 प्लस 2 फंदे, 11 फंदे और जोड़ने हैं इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 25 फंदे डाले हैं, 14 फंदे और प्लस 11 फंदे, 25 फंदे मैंने टोटल डाल रखे हैं। ये राइट साइड है क्योंकि डिजाइन हमारा राइट साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। पहला फंदा उतार लिया, धागा बाहर रखा, एक दो फंदे सीधे। अब ये दो फंदे जो हैं, यहां से दो फंदों का एक कर दिया, फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली इस फंदे को इस तरह, यहां दो फंदों का एक कर दिया। ये देखिए पहला फंदा उतारा, दो फंदे सीधे, दो फंदों का एक किया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, यहां भी दो फंदों का एक किया। अब यहां हमने एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ फंदे हमने सीधे बनाने हैं यहां, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहां से फिर दो फंदों का एक करना है, फिर जाली डालनी है, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालनी है, यहां भी आपने दो फंदों का एक करना है और ये दो फंदे सीधे और लास्ट वाला फंदा मैंने उल्टा बनाया। आप अपनी मर्जी से जैसा बनाना चाहें बना ले। ये हमारी फर्स्ट रो बन गई, ठीक है। सेकंड रो रॉन्ग साइड से, पहला फंदा हमने उतार लिया, धागा अंदर किया, रॉन्ग साइड से पूरे फंदे आपने इस तरह उल्टे बनाने हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड से हमारी सेकंड रो बन के तैयार हो गई। थर्ड रो राइट साइड से, पहला फंदा उतार लिया, अब एक फंदा, ये फंदा हमने धागा अंदर किया, उल्टा बना लिया, ये फंदा उल्टा बना लिया। अब ये दो फंदों के, इस सीधा और इस फंदे के दो फंदों के हमने एक कर दिया, जाली डाली, एक दो तीन फंदे सीधे बनाए, फिर जाली डाली, फिर इस फंदे को दो फंदों का एक कर दिया, फिर धागा अंदर किया, सात फंदे हमने उल्टे बनाए, दो तीन चार पांच छ सात। ये देखिए थर्ड रो में पहला फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा बनाया, दो फंदों का एक किया, एक जाली डाली, तीन फंदे सीधे, जाली डाली, दो फंदों का एक किया, फिर एक दो तीन चार पांच छ सात फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर धागा बाहर किया, ये दो फंदों का एक किया, जाली डाली,
एक दो तीन फंदे सीधे जाली डाली, इस फंदे को इस फंदे को इस तरह दो फंदों का एक किया, धागा अंदर किया, एक फंदा उल्टा और ये लास्ट वाला फंदा। फोर्थ रो रोंग साइड से, पहला फंदा उतार लिया, ये पूरी रो आपने उल्टी बनानी है इस तरह। ये पूरी रो आपने उल्टी बनाई। फिफ्थ रो राइट साइड से, पहला फंदा उतार लिया, अब एक दो फंदे सीधे बनाए, ठीक है। अब फिर फिफ्थ रो में भी आपने पहला फंदा उतारा, दो फंदे सीधे बनाए। अब ये दो फंदे जो हैं, इन दो फंदों का हमने एक किया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली, अब देखिए दो फंदों का एक किया। अब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फंदे हमने सीधे बनाए। ये देखिए फिफ्थ रो में पहला फंदा उतारा, दो फंदे सीधे, दो फंदों का एक किया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, दो फंदों का एक किया, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फंदे सीधे बनाए। अब फिर यहाँ दो फंदों का एक किया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, दो फंदों का एक किया, यहाँ भी दो फंदे सीधे और लास्ट वाला फंदा भी मैंने सीधा ही बना लिया। ये हमारी फिफ्थ रो बनी। सिक्स रो रोंग साइड से, पूरी रो आपने उल्टी बनानी है। ये हमारी सिक्स रो बन गई। सेवंथ रो राइट साइड से, पहला फंदा उतार लिया, धागा अंदर किया, अब एक फंदा उल्टा बनाया, यहाँ हमने दो फंदों का एक कर लिया, फिर जाली डाली, एक दो तीन फंदे सीधे, जाली डाली, यहाँ भी हमने दो फंदों का एक कर लिया, अब हमने धागा अंदर किया, सात फंदे उल्टे बनाने हैं, दो तीन चार पाँच छ सात, धागा बाहर की, ये देखिए दो फंदों का एक किया, जाली डाली, एक दो तीन फंदे, फिर जाली डाली, दो फंदों का एक किया, धागा अंदर किया, ये लास्ट फंदा, ये देखिए इस तरह। एट्थ रो रॉन्ग साइड से, पूरी रो आपने उल्टी करके, ये पूरी रो आपने उल्टी बनाने, उल्टे फंदे बनाने हैं। नाइन्थ रो राइट साइड से, पहला फंदा उतारा, एक फंदा सीधा, दो फंदे सीधे, अब आपने फिर ये दो फंदों का एक किया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली, यहाँ दो फंदों का एक किया, अब आपने नौ फंदे सीधे बनाने, दो तीन चार पाँच छ सात आठ
ये नौ, ये देखिए यहाँ पहला फंदा उतारा, दो फंदे सीधे, दो फंदों का एक किया, यहाँ जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, दो फंदों का एक किया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ फंदे सीधे, ये देखिए दो फंदों का एक किया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, दो फंदों का एक किया, एक दो, और ये लास्ट वाला फंदा, ये हमारी नाइन्थ रो बनी। टेंथ रो रोंग साइड से, ये हमने पूरे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 रो बनने के बाद हमारा ये डिजाइन जो है तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ ये वाला डिजाइन यहाँ डालना है और ये वाला डिजाइन सेंटर में डालना है। तो हमने क्या करना है फ्रेंड्स, 11th रो राइट साइड से पहला फंदा उतारा, अब हमने एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, नौ फंदे आपने सीधे बनाने, पहला फंदा उतारा, नौ फंदे सीधे बनाए, ठीक है। अब यहाँ आपने, यहाँ सेंटर में आपका डिजाइन आएगा, तो ये दो फंदे हमने, दो फंदों का एक कर दिया, फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली, यहाँ भी दो फंदों का एक कर दिया, अब यहाँ भी नौ फंदे सीधे चाहिए, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, ये लास्ट वाला फंदा मैंने उल्टा बना दिया, ये 11th रो में इस तरह है। 12th रो रोंग साइड से पहला फंदा उतारा, ये पूरी रो आपने उल्टी बनानी है। 13th रो पहला फंदा उतार लिया, अब हमने यहाँ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ फंदे उल्टे बनाने हैं, ठीक है, यहाँ आठ फंदे उल्टे बनेंगे, फिर धागा बाहर किया, दो फंदों का एक कर लिया, जाली डाली, एक दो तीन फंदे सीधे, यहाँ हमने आठ फंदे इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ से कोई डिजाइन नहीं चला हुआ है, तो ये फंदा एक्स्ट्रा हमारा बच गया, नहीं तो सात फंदे होते हैं बीच में, तो यहाँ से इसलिए हमारा एक फंदा बढ़ गया। ये देखिए दो फंदों का एक किया, धागा अंदर किया, आठ फंदे उल्टे, दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये लास्ट वाला, थर्टीन रो बन के तैयार हो गई। 14th रो रोंग साइड से पहला फंदा उतार लिया, ये पूरी रो आपने उल्टी बनानी है। 14th रो बनने के बाद ये देखिए इस तरह ये डिजाइन दिख रहा है। 15th रो पहला फंदा उतार लिया, अब फिर 9 फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और 9 फंदे हमने सीधे बनाए। अब ये वाले दो फंदों इनका एक कर दिया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली, दो फंदों का एक किया, अब ये 9 फंदे यहाँ सीधे, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये लास्ट वाला फंदा, ये हमारी 15th रो बनी। 16th रो रोंग साइड से पहला फंदा उतार लिया,
ये पूरी रो आपने उल्टी बनानी है। 16 रो बनने के बाद 17 रो राइट साइड से पहला फंदा उतार लिए, धागा अंदर किया, 8 फंदे उल्टे बनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 फंदे उल्टे बने, ये देखिए पहला फंदा उतारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये यहाँ हमने 2 फंदों का एक कर दिया, जाली डाली, 1, 2, 3 फंदे सीधे, जाली डाली, 2 फंदों का एक कर लिया, फिर धागा अंदर किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे यहां भी उल्टे और ये लास्ट वाला। 18 रो रोंग साइड से पहला फंदा उतार लिया, ये सारे फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए 18 रो बनने के बाद डिजाइन इस तरह दिख रहा। 19 रो पहला फंदा उतार लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ हमने पहला फंदा उतारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 फंदों का एक किया, जाली डाली, 1 फंदा सीधा, फिर जाली डाली, यहाँ 2 फंदों का एक किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 फंदे सीधे, फिर ये लास्ट वाला। यहाँ 19 रो में एक फंदा उतारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक किया, जाली डाली, 1 फंदा सीधा, जाली डाली, 2 फंदों का एक, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे सीधे और ये लास्ट वाला। 20 रो और रॉन्ग साइड से पूरे फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। ये पूरे फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। ये देखिए ना 20 रो का ये डिजाइन है, ये देखिए, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है। ये देखिए पहले हमारी डब्बी, यहां बनी, अब फिर बीच में सेंटर में एक बनी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेंड सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, बाय बाय।